माँ की हाथ का खाना बिहारी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सग्गा लहसुन का चटनी। ये सग्गा लहसुन है, इसको हम काट करके हटा देंगे। इतना काट लेंगे, इसको पतला पतला करके मेही मेही करके काटेंगे इस टाइप का। ये जो लहसुन से जो हम काटे हैं, काट करके इसको भी हम चार फांक बना करके काट लेंगे। ये चटनी बनाने के लिए हम ये काट करके धो लिए हैं लहसुन और धनिया पत्ता, हरा मिर्चा, आधा नींबू और स्वाद के अनुसार नमक। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब कढ़ाई धीप गया है, इसमें हम सिर्फ एक चम्मच तेल डालेंगे। इस तरह से तेल डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा लाल हो गया है, अब हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। इसी में हम मिर्चा रख देते हैं काट करके, ये भी हल्का सा भुजा जाएगा। भूजना है, थोड़ा ही सब भूजना है। हो गया है, अब हम इसको एक जार में रख लेते हैं। अब इसी में हम धनिया पत्ता रख देते हैं और स्वाद के अनुसार नमक रख करके इसको हम पीस लेंगे। नींबू में से बिया निकाल करके आधा नींबू हम इसमें, आधा नींबू का रस हम इसमें गाड़ देंगे। नींबू डाल करके इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नींबू के जगह पर आप विनेगर भी रख सकती हैं, ज़्यादा खटाई ना डाल लीजिएगा, ज़्यादा खटाई डालने से टेस्ट खराब हो जाता है। लहसुन का चटनी बनकर तैयार है, अभी बनाइए खाइए, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है खा करके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।